ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर जिले को दी बड़ी सौगात, 561 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में काका बने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बच्चों युवाओं को अपने भतीजे भतीजी बताकर किया संबोधित। सुकमा में बीजेपी ने सवालों के कटघरे में भूपेश सरकार को किया खड़ा, लगाए कई गंभीर आरोप, कहा नीति आयोग की रिपोर्ट में कांग्रेस सरकार फिसड्डी साबित। मौत मांग रहा छत्तीसगढ़ का बेरोजगार, कर्ज लेकर दो वक्त की रोटी जुटा रहा शिक्षक, अब छत्तीसगढ़ गीत गाकर सरकार से कहा नौकरी नहीं तो फांसी दे दे। कोरोना की दूसरी लहर से पहले की स्थिति में पहुंचने लगा छत्तीसगढ़, केस कम हुए लेकिन मरने वालों का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक। पूरे छत्तीसगढ़ पर छाया मानसून, अगले दो दिन तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश से अति भारी बरसात की चेतावनी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित कार्यक्रम में रायपुर जिले में 561 करोड़ 32 लाख रुपए के 391 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इनमें से 100 करोड़ 32 लाख रुपए के 28 कार्यों का लोकार्पण और 461 करोड़ रुपए के 363 कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस वर्चुअल कार्यक्रम में रायपुर की दो महान विभूतियों सेठ नेमीचंद श्री श्रीमाल और गोविंद लाल वोहरा की बाल आश्रम में स्थापित प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बार फिर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। इससे पहले 2018 के चुनाव से पहले शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर के माध्यम से कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों प्रवक्ता प्रकोष्ठ को तैयार किया जाएगा। शिविर सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव भी शामिल होंगे। शिविर में ट्रेनिंग के माध्यम से ये जानकारी दी जाएगी कि आगे किस रणनीति के तहत काम करना है। स्तर पे हम लोग विस्तार इस महीना पूरा प्रयास कर रहे हैं। जितने भी मोर्चा संगठनों के अध्यक्षों की नियुक्ति हो या सचिवों की नियुक्ति हो, हम लोगों का प्रयास है इसमें ना, हम लोग संगठन स्तर पर हमारी तैयारी है। रही बात निगम मंडलों की, आदरणीय हमारे पुनिया साहब छत्तीसगढ़ प्रवास में आ रहे हैं, वही बता पाएंगे कि, और सरकार के मुख्य आदरणीय सीएम साहब ही बता पाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेयर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन को लेकर था। प्रकोष्ठ का दावा है कि महापौर एजाज ढेबर के परिषदीय क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर देर रात तक दुकानों का संचालन किया जाता है और कई अतिरिक्त छूट दी जाती है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता खुद ही लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर प्रदर्शन करने पहुंचे, जबकि प्रदेश में संडे को पूर्ण लॉकडाउन रहता है। और बुलेटिन में वक्त है एक और ब्रेक का, रुकेंगे और जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन लेकिन क्या, बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी
गई तो तू नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर, अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो, जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चले, चलो चले, टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हम में से कोई एक न छूटे सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, ना शर्माना, ना घबराना, ना तुम आलस करना, कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना, मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना, देव भूमि की युवा शक्ति तुम कुन्ना ना हक डरना, हम युवा शक्ति है साथ में मिलके करनी ये तैयारी, हम में से कोई एक न छूटे सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम, कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भानु प्रताप पुर में शिवसेना प्रदेश महासचिव चंद्रमौली मिश्रा के साथ शिवसेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने जंगली हाथी प्रभावित ग्राम चिचगांव गोडोपारा में जाकर हाथियों से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की व हाथियों के कारण हुए खेत खलियान बाग बगीचे के नुकसान का जायजा लिया और सरकार से मांग की कि क्षेत्र में हाथी प्रभावित परिवारों को सरकार शीघ्र मुआवजा प्रदान करते हुए क्षेत्र में हाथियों से निपटने हेतु विशेष कार्य योजना बनाए, क्योंकि लगातार हाथी क्षेत्र में आम जनता को जान माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं। और शाम होते ही हाथी जंगल से गांव में घुस आते हैं और वहां के निवासियों को
एवं उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ साथ उनके फसल और जो वो बगीचा लगाए हुए हैं उसको बहुत भारी तादाद में नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुकमा पहुंचे बीजेपी प्रदेश महामंत्री किरण देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भूपेश सरकार पर सवाल दागते हुए कई आरोप भी लगाए और कहा कि जब दवा की जरूरत थी तो घर में शराब की सेवा पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया और बताया गया कि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी लगभग सभी संकेतकों पर कांग्रेस सरकार फिसड्डी साबित हुई है, फिर भी ढींगे हाँकने से ये बाज नहीं आ रहे। वास्तव में इस सरकार को सत्ता में अब एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। अधिकारियों द्वारा वसूली का कारोबार खूब फल फूल रहा है। बेमेतरा जिले में लगातार आम आदमी व किसान अवैध वसूली का शिकार हो रहे हैं। कभी ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर तो कभी सरकारी लोन दिलाने के नाम पर वसूली की जाती है। अब तो किसानों के साथ भी पटवारी द्वारा जमीन नापने के लिए वसूली की जा रही है। बांसा हल्का पटवारी युवराज साहू द्वारा किसान गोपेंद्र कुमार दिवाकर और भरू बारले निवासी बांसा को जमीन नापने के लिए पैसा नहीं देने के कारण महीनों से घुमाया जा रहा है और पटवारी के द्वारा कहा जाता था एडवांस देने के बाद ही वे फील्ड में नापने के लिए आएंगे। ये सारा कृत्य को कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित किसानों द्वारा उचित कार्रवाई के लिए SDM बेरला को सौंपी गई है। सूरजपुर के प्रेमनगर में कोविड वैक्सीन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। इस मामले का एक कथित ऑडियो भी लीक हुआ है, जिसके बाद जिले के कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए तो वहीं जांच टीम प्रेमनगर रवाना भी हो गई। बता दें, कथित ऑडियो में वैक्सीन की डोज बचाकर वैक्सीन की कालाबाजारी की बात सामने आई है। हालांकि हम इस ऑडियो की सत्यता का दावा नहीं करते हैं। बहरहाल कथित ऑडियो के पूरे बातचीत में 8 से 10 लोगों के नाम सामने आए हैं। टीका को लेके कलेक्टर महोदय को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था और मेरे को भी मिला है और उसमें मेरे द्वारा जिला टीकाकरण अधिकारी के साथ में दो और अन्य लोगों को 3 सदस्यों की टीम का गठन कर दिया गया है और उसमें वो आज जांच के लिए भी जा रहे हैं और जैसे उसमें रिपोर्ट आएगा उस बेसिस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। और छत्तीसगढ़ की खबरों में भी के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्ड मसाले। गोल्ड
जड़ी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।